जय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंदौर डिफेंस एकेडमी। मेरा नाम है दीपेश भट्ट और स्प्रिंट सीरीज़ में आपका बहुत स्वागत है। ये आखिरी लेक्चर है जो कि एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चंस हम इसमें करेंगे, और फिर इसके बाद आपको मैक्सिमम रिवीजन करना है ताकि एग्ज़ाम में आपको मैक्सिमम चीज़ें याद रहें। विच वन अमंग द फॉलोइंग फूड क्रॉप्स इज नॉट कैटेगराइज्ड अंडर मिलेट? मिलेट, मिलेट के अंडर कौन सी फूड क्रॉप्स कैटेगराइज्ड नहीं की गई हैं? ठीक है, रागी, बाजरा एंड जवार, ज्वार जो हैं ये तीनों मिलेट्स हैं, लेकिन वीट नहीं है। ठीक है, वीट ये एक टाइप ऑफ खरीफ क्रॉप है, खरीफ खरीफ क्रॉप है। ठीक है, और वीट रबी क्रॉप है। ठीक है, वीट रबी क्रॉप है, और रबी क्रॉप में वीट है और जो मिलेट है खरीफ क्रॉप है, और इनका प्रोडक्शन राजस्थान रीजन में ज़्यादा होता है। ठीक है, और जहाँ भी ड्रॉट प्रोन रीजन होते हैं, जहाँ भी सूखा पड़ता है, वहाँ पे मिलेट्स और ऐसे कोर्स ग्रेन्ड क्रॉप्स ज़्यादा उगाई जाती हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, रीजन वेल नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ किन्नौर, मेवात, कोरोमंडल। पेयर देखना है, किन्नौर में अरेका नट, अरेका नट जो है ये इंडिया में बहुत ही रेयर कहीं पे होता है, फिलीपींस और मलेशिया जैसे रीजन में बहुत ज़्यादा होता है, तो ये इंडिया का नेटिव क्रॉप ही नहीं है। मेवात हरियाणा में एक रीजन है, उधर पे मैंगो नहीं, मैंगो ये भी गलत है क्योंकि मैंगो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र रीजन या फिर यूपी रीजन में बहुत ज़्यादा मिलता है। कोरोमंडल, कोरोमंडल तमिलनाडु की कोस्ट को बोलते हैं, और इस कोस्ट पे सोयाबीन, ये भी गलत है क्योंकि सोयाबीन सबसे ज़्यादा एमपी में होता है, एमपी को सोया स्टेट बोला जाता है, तो तीनों ही ऑप्शंस गलत हैं। ठीक है, नन विल बी आर आंसर। विच क्रॉप अमंग द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम एरिया ऑफ कल्टीवेशन इन इंडिया? बहुत सारे लोग वीट और राइस में कंफ्यूज होते हैं, राइस है सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन एरिया, अराउंड 45 मिलियन हेक्टेयर, और वीट का जो रीजन है वो सेकेंड हाईएस्ट है, अराउंड 30 मिलियन हेक्टेयर एरिया। द न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी कॉल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज इनिशिएटेड इन? ग्रीन रेवोल्यूशन एक ऐसा तरीका था जिसमें हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स से हम बेटर प्रोडक्शन कर सकते थे। 1960s से पहले का जो समय था उसमें बंगाल फेमाइन और ऐसी फेमाइन और ड्रॉट रीजन की होने की वजह से बहुत कम प्रोडक्शन होता था, उसकी वजह से हमने ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आया 1966 के ड्यूरेशन में। ठीक है, ये फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन था, फर्स्ट फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन 1966। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है स्वामी एम एस स्वामीनाथन को, एम एस स्वामीनाथन इंडिया में, और नॉर्मन बोरलॉग ग्रीन रेवोल्यूशन के पूरे वर्ल्ड में फादर जाने जाते हैं, जो कि यूएस के हैं। फिर इसमें मेजरली वीट, राइस, ज्वार जो कि मिलेट्स के टाइप हैं, मिलेट्स, ये तीन मेजर क्रॉप्स के को फ़ायदा हुआ था, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन नॉर्थ वेस्ट इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ था, हाई यील्ड वैरायटी और ग्रीन रेवोल्यूशन को एक्सेप्टेंस सबसे ज़्यादा मिला था नॉर्थ वेस्ट इंडिया रीजन से, जिसमें पंजाब, हरियाणा ये सब रीजन आते हैं, हरियाणा। ठीक है, फिर सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है, सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन
1981 से 96 तक इस ये जीएम क्रॉप्स के लिए हुआ है मेनली, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को बढ़ावा देने के लिए, जैसे बीटी ब्रिंजल या फिर बीटी कॉटन। द टर्म ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू, ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू रिफर्स टू, सॉरी रिफर्स टू कब हुआ था मेजरली, ये टाइम पीरियड पूछ रहा है। 1970। ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऐसा कोई फ्लड, फ्लड बचाने वाला ऑपरेशन नहीं है कि फ्लड में किसी को हेल्प कर रहे हैं। एक्चुअली ये वाइट रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, वाइट रेवोल्यूशन। और वाइट रेवोल्यूशन का मतलब है कि मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी लाइक अमूल को बनाया गया, बढ़ावा दिया गया। और आज की डेट में इंडिया हाईएस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का, टॉप प्रोड्यूसर है। श्रेय किसको जाता है? वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन। इनकी वजह से वाइट रेवोल्यूशन हो पाया जो कि मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है, और इसी को ऑपरेशन फ्लड का नाम दिया गया है, वर्गीज कुरियन। इन विच ऑफ द स्टेट लैंड विथ मैक्सिमम एरिया एज अनयूजेबल, स्टेट लैंड एरिया जो मैक्सिमम अनयूजेबल है, मतलब फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर यूज़ में नहीं आ रहा है मैक्सिमम, बेसिक क्वेश्चन है। राजस्थान होगा क्योंकि यहाँ पे थार डेजर्ट है जो कि एरिड रीजन है जहाँ पे कल्टीवेशन बहुत ही कम है। द सैलिनिटी ऑफ सॉइल इज मेजर्ड बाय इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीटर, ये एक मीटर होता है, इसमें जो सॉल्ट वाटर होता है, सैलिनिटी है ना, तो सैलिनिटी ऑफ सॉइल, तो सॉइल को डाला जाता है उसमें सॉल्ट वाटर होता है, वो सॉल्ट वाटर कितना कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि सॉल्ट वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इससे पता चल जाता है सैलिनिटी कितनी है। हाइग्रोमीटर और साइक्रोमीटर ये दोनों ह्यूमिडिटी नापने के इंस्ट्रूमेंट हैं, सॉरी ह्यूमिडिटी, ठीक है। IR20 एंड रत्ना आर टू मेयर वेराइटी ऑफ राइस, राइस की टू मेजर वेराइटीज़ हैं, ठीक है। रत्ना एक हाइब्रिड मैंगो का नाम भी है, ठीक है, हाइब्रिड मैंगो का नाम भी है, लेकिन लेकिन यहाँ पे IR20 भी लिखा है तो, और वैसे भी मैंगो ऑप्शन में है नहीं, राइस है ना। और भी कुछ इम्पोर्टेंट है, जमुना, ठीक है, जमुना, जया, सॉरी जया, थर्ड कावेरी, अन्नपूर्णा, ये कुछ इम्पोर्टेंट राइस के टाइप हैं। देखोगे आपके थोड़ा सा ना फीमेल का नाम ज़्यादा दिख रहा है इसमें, अगर वीट में देखेंगे तो ज़्यादातर मेल का नाम दिखता है, अर्जुन, कुंदन, ये सब टाइप हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि मेल के नाम होंगे ही नहीं, में कृष्णा एक वैरायटी है, ठीक है। झूम इज अ फोक डांस, नाम से ऐसा लग रहा है कि फोक डांस हो सकता है, कि फोक डांस, अ रिवर, अ ट्राइब इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अ टाइप ऑफ कल्टीवेशन, लेकिन ये क्वेश्चन अभी एग्रीकल्चर में कर रहे हैं तो अपन बेसिक सेंस से भी लगा सकते हैं कि ये टाइप ऑफ कल्टीवेशन ही होगा। लेकिन झूम एक ऐसा तरीके का कल्टीवेशन है जिसमें एक ट्राइबल लोग जो होते हैं, इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोला जाता है, क्योंकि ट्राइबल लोग एक जगह पे जाते हैं, वहाँ पे फॉरेस्ट को आग लगा देते हैं, उसका जो ऐश में कन्वर्ट हो जाता है पूरा फॉरेस्ट, एक्ट विच एक्ट एज अ मैन्योर, और उसको उधर पे ज़्यादा एग्रीकल्चर करते हैं रिपीटिटिवली, और रिपीटिटिवली तब तक करते हैं जब तक उसकी फर्टिलिटी ख़त्म नहीं हो जाती है, और जैसे ही उसकी फर्टिलिटी ख़त्म होती है उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह झूम झूम के चले जाते हैं, दूसरी जगह मूव कर जाते हैं, ठीक है। और फिर वहाँ पे भी सेम प्रोसेस को फिर
फिर से फॉलो करते हैं। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ कल्टीवेशन। झूम नाम कहाँ जाना जाता है? स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन का नाम जो है झूम नॉर्थ ईस्ट रीजन में जाना जाता है, नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है, इसको पोंडू भी बोला जाता है आंध्र प्रदेश रीजन में। वेस्टर्न घाट्स के रीजन में इसको बोला जाता है कुमारी। बेवार बोला जाता है मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन में। ठीक है, और भी कुछ इम्पोर्टेंट नाम हैं इसके, पर इंटरनेशनली मिल्पा, मिल्पा बोला जाता है मैक्सिको के आसपास, मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका में। चेन्ना बोला जाता है श्रीलंका में। वियतनाम में बोला जाता है राय। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं। द स्टेप फार्मिंग इज परफॉर्म्ड ऑन, स्टेप फार्मिंग, स्लोप्स ऑफ द हिल, स्लोप्स ऑफ द हिल। ठीक है, एक हिल है, ठीक है, इसमें अगर अपने को फार्मिंग करनी है तो इरिगेशन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसको ईज़ करने के लिए फार्मर्स इस स्लोप को, इस माउंटेनिक रीजन को इस तरीके से स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं, इस तरीके से स्टेप्स में बांट देते हैं और यहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं। ठीक है, जब भी रेनफॉल आती है तो वो यहाँ पे आएगी, फिर टाइम के साथ यहाँ पे चली जाएगी, यहाँ पे थोड़ा सा भर जाएगा, ज़्यादा जो एक्सेस फ्लो होगा वो इस साइड चला जाएगा और अपने आप पूरा रीजन इरिगेट हो जाएगा। तो इस तरीके की फार्मिंग को स्टेप फार्मिंग बोलते हैं, जो कि हिली स्लोप में मिलते हैं। ठीक है, साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड, इट इज़ कॉल्ड पीडोलॉजी। पीडोगोगी इट इज़ अ मेथड ऑफ टीचिंग, कैसे वेरियस तरीके से लर्निंग कर सकते हैं पीडोगोगी। इकोलॉजी क्या है? इट्स स्टडी स्टडी ऑफ इंटर रिलेशन बिटवीन द लिविंग बींग्स एंड इट्स इन्वायरमेंट। ठीक है, लिविंग बींग्स में एनिमल, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स सब आ सकते हैं। तो ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं और अपने इन्वायरमेंट से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसकी स्टडी को बोलते हैं इकोलॉजी। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी फ्रूट की स्टडी को बोलते हैं। ठीक है, विच विच इज़ द होम ऑफ अल्फेंजो मैंगो। अल्फेंजो ये तो सुना होगा, अल्फेंजो मैंगो का होम है रत्नागिरी, जो कि है महाराष्ट्र में। ठीक है, एक दशहरी आम भी सुना होगा, दशहरी, दशहरी यूपी लखनऊ। लखनऊ रीजन का है। ठीक है, अभी मैंने एक बताया था रत्ना, ये हाइब्रिड है। ठीक है, किसी दो दो टाइप ऑफ मैंगो को क्रॉस कराने की वजह से रत्ना मैंगो बना है। ठीक है, ऐसे कुछ और हाइब्रिड्स भी हैं, उनको पढ़ सकते हो आप, और क्या बोलते हैं उनको, काफ़ी एग्ज़ाम्स में आते हैं वो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन स्पाइस प्रोड्यूसर? सबको पता है केरला कोस्ट, पोर्चुगीज़ आए इसलिए थे, हमारे इंडियन हिस्ट्री के, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा होगा, स्पाइस कोस्ट ना, मलाबार कोस्ट। मलाबार कौन सा रीजन है? ये वाला रीजन केरला में, और इस वाले रीजन को कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं, कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स मीन्स ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप इन सक्सेशन टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। बिल्कुल सही बात है, मतलब एक के बाद एक दूसरी क्रॉप को उगाना। ठीक है, सेम क्रॉप को ना उगा के दूसरी क्रॉप को उगाना, क्योंकि एक कोई क्रॉप एक पर्टिकुलर रिक्वायर्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स बार बार लेने की वजह से अपनी सॉइल को डिप्लीट कर देगा और कहीं ना कहीं कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स के ना होने की वजह से फर्टिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, अगर हम ये सॉइल को रोटेशन करेंगे, अगर बीच में हम पल्सेस, लेग्यूम्स ये सब यूज़ करेंगे जो नाइट्रोजन फिक्सेशन ज़्यादा करते हैं, जिनकी वजह से फर्टिलिटी बढ़ेगी बार बार, तो इस तरीके से हम एग्जॉस्टिंग सॉइल और लेग्यूम नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाली सॉइल दोनों को एक साथ करने की वजह से फर्टिलिटी को बराबर रख सकते हैं। ठीक है,
यही बोल रहा है रोटेशन ऑफ क्रॉप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्राउन पेपर, इट इज जूट, ठीक है। कॉटन को क्या बोला जाता है, कॉटन को बोला जाता है वाइट गोल्ड। टी को बोला जाता है ग्रीन गोल्ड। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज शुगर बाउल, इंडिया में सबसे ज़्यादा शुगर होता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और वर्ल्ड के शुगर बाउल को बोला जाता है क्यूबा, क्यूबा को वर्ल्ड का शुगर बाउल बोलते हैं, शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। अगर शुगर का, शुगर केन, शुगर केन से शुगर होता है, तो शुगर केन ब्रीडिंग सेंटर देखना है, ब्रीडिंग सेंटर तो ये कोयम्बटूर में है, तमिलनाडु में, कोयम्बटूर। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द एग्रीकल्चर इन इंडिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड और रेन, सब अफेक्ट कर सकते हैं, टेम्परेचर भी कहीं ना कहीं, ह्यूमिडिटी भी, विंड भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर को अफेक्ट कर सकता है, लेकिन मोस्ट अफेक्टिंग फैक्टर इज रेन, रेनफॉल, क्योंकि इंडिया का जो रेन, इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो रेनफॉल डिपेंडेंट एग्रीकल्चर है, ठीक है। 4 महीने की रेनफॉल अगर नहीं होती है या फिर इनसफिशियंट होती है तो इंडिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में कमी हो जाती है। द एरिया ऑफ फूड क्रॉप्स इन टोटल एरिया ऑफ क्रॉपिंग इन इंडिया इज, फूड क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स के अंडर कितना एरिया है टोटल क्रॉपिंग एरिया, ठीक है। ये एरिया है 60 to 70%। फूड क्रॉप्स कैसे होती हैं, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप या जायद क्रॉप। ठीक है, नवंबर के, अक्टूबर नवंबर, नवंबर के रीजन में इसको सो किया जाता है, फिर हार्वेस्ट किया जाता है अराउंड मार्च, इसको जून जुलाई के आसपास सो किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है नवंबर के आसपास, ठीक है। इसके बो सो करने से पहले इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, और इन दोनों के बीच में जो मार्च टू जून का जो रीजन टाइम है, इसमें जायद क्रॉप्स आ जाती है, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स अगर देखें तो वीट, बाजरा, कॉटन, इसमें मिलेट, राइस, इसमें बिटर गार्ड, वाटरमेलन, इन फूड क्रॉप्स के अंडर कितना एरिया है, ये क्वेश्चन था। ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, ब्लू रेवोल्यूशन, ब्लू वाटर ब्लू होता है ना, मतलब ऐसे वाटर का कोई कलर नहीं है, लेकिन ब्लू स्काई की वजह से ब्लू वाटर, ब्लू ओशियंस दिखते हैं ना, उसकी वजह से फिश प्रोडक्शन, मतलब ब्लू नाम वहाँ से आ सकता है, इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं रेवोल्यूशन को, फिश प्रोडक्शन के लिए रेवोल्यूशन किया गया है, मतलब फिश प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए एक रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया था। मिल्क प्रोडक्शन के लिए वाइट रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन बाय वर्गीज करियन। ऑयल, ऑयल सीड प्रोडक्शन के लिए येलो रेवोल्यूशन। फूड प्रोडक्शन के लिए तो ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, और भी कुछ इम्पोर्टेंट रेवोल्यूशन है, जैसे ग्रे रेवोल्यूशन, ये फर्टिलाइज़र के लिए, फिर पिंक रेवोल्यूशन, अनियन के लिए,
गोल्डन रेवोल्यूशन, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, जूट के लिए सिल्वर रेवोल्यूशन, एग्स एंड पोल्ट्री के लिए। एज पर द क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, हाउ मैनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स आर देयर इन इंडिया? 127 एग्रो क्लाइमेटिक जोन। ऐसा रीजन एक पूरे इंडिया में अगर हम डिवाइड करेंगे, पूरे रीजन को पूरे इंडिया में, अगर पूरे इंडिया को डिवाइड करेंगे तो एग क्लाइमेट के हिसाब से एग्रीकल्चर रीजन को डिवाइड करेंगे तो टोटल ऐसे टोटल 127 रीजन्स आ जाएंगे पूरे इंडिया में, है ना। अलग अलग क्लाइमेट के रीजन के हिसाब से, क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से अगर बेस्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस को डिवाइड किया जाएगा तो 127 ओवर ऑल क्लाइमेटिक रीजन्स आ जाएंगे। विच सॉइल इज बेस्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन? सबको पता है ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक सॉइल है ना, डेक्कन ट्रैप की वजह से बनने वाले, वॉल्केनिक ओरिजिन की वजह से बनना है, बसाल्टिक सॉइल। ब्लैक सॉइल को और भी किस नाम से जाना जाता है? ये कॉटन के लिए इतनी अच्छी मानी जाती है क्योंकि इतनी अच्छी मानी जाती है, इससे इसका नाम भी पड़ गया है ब्लैक कॉटन सॉइल, और इसको रेगुर सॉइल के नाम से भी जाना जाता है, रेगुर सॉइल, ठीक है। और ऑटो टिल्टिंग सॉइल, ऑटो टिल्टिंग सॉइल या फिर सेल्फ प्लॉइंग सॉइल, सेल्फ प्लॉइंग सॉइल। इसमें हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। पेट्रोलॉजी स्टडी ऑफ रॉक, ठीक है। लैंड की स्टडी को क्या बोलते हैं? टोपोलॉजी की स्टडी को बोलते हैं, या तो टोपोलॉजी बोलेंगे लैंड की स्टडी को, या तो जियोलॉजी बोलेंगे। मिनरल की स्टडी को मिनरलॉजी बोलते हैं। सॉइल की स्टडी को पेडोलॉजी बोलते हैं, पीडोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज स्टिल प्रिवेलेंट इन, वही झूम कल्टीवेशन की बात हो रही है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात हो रही है, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन की बात हो रही है। ये मेजरली नॉर्थ ईस्ट रीजन में ही प्रेवेलेंट है, ऑल्दो ये बैंड है क्योंकि इससे डिफॉरेस्टेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए इसको बैन किया गया, लेकिन नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये स्टिल प्रेवेलेंट है क्योंकि ये ऑटोनॉमस रीजन है, ट्राइबल रीजन है, और यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस थोड़ा सा कम है, इसलिए यहाँ पे आज भी देखा जाता है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, ऑल ऑफ द अबव, मिजोरम, नागालैंड एंड मणिपुर। द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज यूज्ड इन, सेम क्वेश्चन है, कहाँ मिलती है अभी शिफ्टिंग कल्टीवेशन? हिमाचल प्रदेश नहीं, सेंट्रल हाईलैंड्स नहीं, कोस्टल तमिलनाडु नहीं, नागालैंड में, ठीक है। देयर इज रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर इन अ स्लोपी माउंटेनियस ट्रैक्ट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप कैन बी फार्म्ड देयर? मोर देन 200 सेंटीमीटर मतलब बहुत ज़्यादा रेनफॉल चाहिए, ठीक है, और स्लोपी माउंटेनियस रीजन में, ऐसे रीजन में होती है सबसे ज़्यादा टी, ठीक है। जूट में भी थोड़ा हाई रेनफॉल चाहिए होती है, 160 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के अराउंड, ठीक है। कॉटन में 75 से 100 सेंटीमीटर के अराउंड रेनफॉल चाहिए, बहुत ज़्यादा रेनफॉल नहीं चाहिए। टोबैको तो ड्राई रीजन में होता है, 50 से 100 सेंटीमीटर के अराउंड, रायल सीमा रीजन, आंध्र प्रदेश। टी सबसे ज़्यादा असम रीजन में होगी, दार्जिलिंग टी वेस्ट बंगाल की है और असम रीजन में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सॉइल रिच इन कैल्शियम? कैल्शियम में रिच सॉइल का नाम क्या है? पीडोकल, कैल्शियम लास्ट में लगाया है ना, पेडल्फर जो है ये
एल्यूमिनियम और आयरन, आयरन इन दोनों में रिच है, ठीक है। विच ऑफ द बेस्ट सूटेड सॉइल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस, राइस के लिए बेस्ट सूटेबल सॉइल कौन सी है? एल्यूवियल सॉइल, लोमी सॉइल चाहिए होता है, और एल्यूवियल सॉइल बेस्ट सूटेड सॉइल है, ठीक है। जो एल्यूवियल्स लेके आते हैं रिवर्स, उनकी वजह से बनने वाली सॉइल बेस्ट सूटेड सॉइल है। अगर देखा जाए तो यूपी इन रीजन्स में सबसे ज़्यादा एल्यूवियल सॉइल है ना, गंगा ट्रैक्ट्स में। एक तो यूपी वाले रीजन में, ठीक है, और ये वाला जो पूरा रीजन है, जो वेस्टर्न घाट से नदी जो ओरिजिनेट होके इस साइड पे फ्लो कर रही है, तो इसकी वजह से ये वाले रीजन में भी बहुत ज़्यादा एलुवियल सॉइल है, और यहाँ पे भी एलुवियल सॉइल है। इसकी वजह से राइस कल्टीवेशन के लिए बेस्ट रीजन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ एग्रीकल्चरल एरिया लेस देन 60%, एग्रीकल्चरल एरिया लेस देन 60%, ठीक है। बिहार में बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल एरिया है, उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल है एरिया है, पंजाब में भी बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर है, वेस्ट बंगाल में 60% से कम है एग्रीकल्चरल एरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया इज, इट इज़ जूट। ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, जूट को बोलते गोल्डन फाइबर, ठीक है। तमिलनाडु इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिल मेड कॉटन यार्न इन द कंट्री, व्हाट कुड बी द रीज़न? तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिल मेड कॉटन यार्न, इसका सबसे ज़्यादा लीडिंग प्रोड्यूसर है, इसका रीज़न क्या क्या हो सकता है? ब्लैक कॉटन सॉइल इन द प्रीडोमिनेंट टाइप ऑफ सॉइल इन द स्टेट इज़ द, ब्लैक कॉटन सॉइल इज़ द प्रीडोमिनेंट टाइप, ऐसा है क्या? नहीं, प्रीडोमिनेंट ब्लैक कॉटन सॉइल जो डेक्कन ट्रैप में महाराष्ट्र और वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश इन सब रीजन में सबसे ज़्यादा मिलती है, गुजरात में मिलती है, लेकिन तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा नहीं मिलती है। मतलब तमिलनाडु में भी सबसे ज़्यादा लेटराइट सॉइल है, लेटराइट रेड येलो, रेड एंड येलो सॉइल, ये सब सॉइल ज़्यादा मिलती हैं, ठीक है। रेड एंड येलो सॉइल मेनली तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा मिलती है। रिच पूल इज इन स्किल्ड लेबर इज़ अवेलेबल, ठीक है, स्किल्ड लेवल का रिच पूल है, इसीलिए मिल मेड कॉटन यहाँ ज़्यादा मिलता है, ये बात सही है, ठीक है। तो ओनली टू विल बी आर आंसर, दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो, फिर से मिलते हैं, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।